करें, उन्हें केवल आप जो है वो आगे बढ़ने दें। और इस आधार पर जैसे कि ज्योति अरुण कह रही थी कि बालिकाओं को हम थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं और महिलाओं को सशक्त करने की बात करते रहते हैं, तो हमें बालिकाओं से ही शुरू करना होगा कि उनको सशक्त करने के लिए हमें मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और वो वहाँ पर ही शुरू हो जाना चाहिए जो कि परिवार में हम उनकी देखभाल कर रहे होते हैं, उसके बाद विद्यालयों में, और उसके बाद जो है सामाजिक जो गतिविधियाँ उनमें, और उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको मौके प्रदान किए जाने चाहिए। इस आधार पर यदि हम बात करें तो थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल और उसके बाद इकोनॉमिक आस्पेक्ट पे आऊंगी। यदि हम बात करते हैं राजनीतिक सहभागिता की, तो राजनीतिक सहभागिता जो है वो हम ये मानते हैं कि भारतीय राजनीति में आज का विषय नहीं है। यदि हम ये कहें कि सितंबर 2023 में हमने महिलाओं को जो है वो आरक्षण देने की बात की है और उन्हें जो है वो इस अधिनियम के तहत जो है 33% आरक्षण जो है वो संसद और विधानसभाओं में देने के लिए जो है वो प्रयास किया है, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि ये प्रयास किए जाते रहे हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन हम राजनीति विज्ञान के अध्येता जानते हैं कि किस तरह से जो है वो लगभग 13 लाख महिलाएं जो हैं वो सशक्त बनकर नेतृत्व के रूप में उभर कर आई हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो संसद और विधानसभाओं के स्तर पर भी ये प्रयास पहले किए गए हैं, जैसा कि देवगौड़ा जी के समय में किया गया जो कि 81वां संविधान संशोधन था, उसके बाद जो है वो मनमोहन सिंह जी के काल में 2010 में किया गया जो कि 108वां संविधान संशोधन रहा है। वो दुर्भाग्यवश पास नहीं हो पाया, लेकिन ये एक सफलता कह लीजिए या राजनीतिक पेज कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और हम ये जानते हैं कि किस तरह से राजनीति को चलाया जाता है। तो इस आधार पर ये एक उपलब्धि या एक महिलाओं के लिए कहना चाहिए कि मार्ग प्रशस्त करने वाला है कि राजनीतिक रूप में हमें सहभागिता सुनिश्चित की गई है कि हम उन वहाँ पर आ सकते हैं। चूँकि ये एक कहना चाहिए कि गौरवशाली या क्रांतिकारी जो है क्षण रहा कि लोकसभा में जो है वो केवल 2 ही विरोध में मत आए और राज्यसभा में तो कोई विरोध में मत ही नहीं आया। अब ये भी एक राजनीति का विषय हो सकता है, ये मैं इससे इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन ये तो निश्चित है कि हमें कम से कम ये आश्वस्त किया गया कि आपको जो है वो आरक्षण या नहीं महिलाओं का आरक्षण मिलेगा। लेकिन उसके पीछे जो एक कहना चाहिए कि अड़चन कह सकते हैं, रुकावट कह सकते हैं या इसका अधूरापन कह सकते हैं कि ये ना तो 2024 के चुनाव में मिलेगा आपको, ना ये 2029 के चुनाव में मिलेगा, ये मिलेगा आपको 2034 के चुनाव में जाकर, और वो भी क्या संभावनाएं होंगी ये भविष्य बताएगा, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है ये भविष्य के गर्त में है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि महिला सहभागिता के द्वारा सशक्त किया जाना चाहिए और किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हम देख रहे हैं भारतीय संदर्भ में। अब दूसरा जो पक्ष जिसकी बात मैं करना चाह रही हूँ वो है आर्थिक पक्ष। आज के कहना चाहिए कि भौतिकतावादी युग, जिसमें कि LPG के काल के बाद जो जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन और कहना चाहिए कि मेटरलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो बहुत उभर कर आई हैं, उसमें अर्थ महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए मेरा ये मानना है कि राजनीति में हमें सहभागिता मिलनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जब तक महिलाओं को आप आर्थिक रूप में सशक्त नहीं करेंगे, महिलाएं सशक्त नहीं हो पाएंगी। और महिलाओं को यदि आप काम देंगे तो वो कहना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग में आगे आएंगे, और इस आधार पर जो डिसीजन मेकिंग उनका होगा उसको माना भी जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में महिलाएं जो काम करती हैं, यानी कि जो सर्विस करती हैं, उनको जो है अलग से स्थान दिया जाता है या अलग उनकी एक पूछ होती है, डिसीजन मेकिंग में उनका एक रोल होता है, लेकिन जो घर में और घरेलू काम करती हैं उनको जो है वो इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए उनको आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और इस आधार पर थोड़ा सा, चूँकि हम सभी एकेडमिशियन हैं इसलिए बिना तथ्यों के आधार पर हम बात नहीं कर सकते, तो मैं थोड़ी सी तथ्यों की बात करना चाहूँगी, जो कि क्योंकि तथ्यात्मक आधार पर मुझे बोलना है तो मैं आंकड़ों को बिल्कुल सही सही स्थिति में ही स्पष्ट करना चाहूँगी। तो पहली बात जो है वो ये कि विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें कि 2.7 बिलियन महिलाएँ जो हैं वो पुरुषों के समान जॉब प्राप्त नहीं कर पाती हैं। तो ये एक मतलब कहना चाहिए कि
हमारे जो है कहना चाहिए रुकावट है कि हम वो जॉब प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो कि पुरुष कर रहे हैं। जैसा कि हम भारतीय संदर्भ में देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो कुछ समय पहले तक सेना में भर्ती नहीं हो सकती थी, लेकिन जो ही उनको मौका मिला तो वो उच्च पदों तक पहुंची हैं। जो महिलाएं आ रही जिन्होंने रोजगार में अपना हाथ आजमाया है या सहभागी हुई हैं, वो अधिकांश जो सेक्टर हैं वो या तो एग्रीकल्चर का रहा है या डेयरी का रहा है, जिसमें कि आंकड़े बताते हैं कि विकसित देशों में जो है ये कम है, क्योंकि एग्रीकल्चर में उनका इन्वॉल्वमेंट केवल 2.6 है और जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें 9.5 है। तो दिन के हम ये कह सकते हैं कि जो विकासशील राष्ट्र और भारत जैसे राष्ट्र हैं उसमें महिलाएं अधिकांशतः अपना समय जो है वो कृषि कार्यों में या दुग्ध व्यापार के संबंध में जितना भी व्यवसाय हैं उनमें अपना समय लगा रही हैं। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो महिलाएं हैं वो हाउसहोल्ड जो वर्क हैं या उन कार्यों में जो है वो पुरुषों की बजाय 2.5% जो है वो ज़्यादा समय देती हैं, या मैं ये कहूँ कि रिपोर्ट कह रही होगी लेकिन मेरा तो ये मानना है कि महिलाएं ही ज़्यादा समय देती हैं। जो बाहर काम करके आती हैं उसको भी घर में काम करना ही होता है और वो कहीं भी रिकग्नाइज भी नहीं होता है कि आप घर में काम कर रहे हैं। तो इसलिए जब मैं सुधारों की बात या कहना चाहिए सुझावों की बात करूंगी तो इस पर मेरी माँ जो है वो उस पर सबसे ज़्यादा बल रहेगा। यदि हम देखें तो जो रोज़गार की स्थिति है वो भिन्न भिन्न राष्ट्रों में अलग अलग है, जो कि एक तरह से कहना चाहिए कि प्रत्यक्ष रोज़गार जिसमें कि प्रत्यक्ष इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम होती है, उसमें जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उसमें पश्चिमी यूरोप में 35% जुड़ी हुई हैं, एशिया में ये 34% है, ऑस्ट्रेलिया में 33% है, लैटिन अमेरिका में ये 24% है। तो ये आंकड़े जो हैं वो हम ये देख रहे हैं कि कुल कार्य का विश्व में 2/3 जो है वो महिलाएं हाउस होल्ड वाला पूरा करती हैं, लेकिन रोज़गार में इनका जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। अधिकांश महिलाएं जो हैं वो एक तरह से कहना चाहिए कि कृषि आधारित कार्यों में ही अपना पूरा समय देती हैं, लेकिन विडंबना ये है कि कृषि आधारित कार्यों पर काम करने के बावजूद भी भू स्वामित्व का जो अधिकार है वो उनके पास बहुत कम है, जो कि 12.8% ही है। तो इतना कम जो है स्वामित्व उनको मिला हुआ है। बेटी है तो भाई को दे दीजिए, यदि पत्नी है और तो है वो अपने बेटे को दे दीजिए या अपने पति को दे दीजिए, तो स्वामित्व का अधिकार जो है वो चूँकि ठीक है लीगली हमें मिल रहा है यदि हम ससुराल पक्ष में रहते हैं, लेकिन यदि पेरेंट्स की तरफ है तो हम भाई को या तो कहना चाहिए कि एक दबाव या सोशल प्रेशर रहता है और उसके आधार पर जो दे दिया जाता है। तो भू स्वामित्व नहीं है, भूमि पर काम करना आपको है, ये पार्टिसिपेशन जो है वो अपने आप महिलाओं को सशक्त नहीं बनने दे रहा है। तो महिलाओं को यदि सशक्त बनाना है तो आप उसको अधिकार भी या उसको अवसर भी दीजिए जिससे कि वो सशक्त हो सके। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भू स्वामित्व और ये सारी जो हैं उनके हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जो कि चैलेंजेस हम बहुत सारी देखेंगे और सभी बात करेंगे उसमें कि महिलाओं को जो है बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, शिक्षा कम है, उनको जो है वो परंपरागत जो हैं वो बहुत सारे बैरियर्स उनके साथ हैं, बहुत सारी जो परंपराएं हैं वो उनकी रूढ़ा अटकाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी बात हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो प्रयास रहेगा वो ये बताना कि हमें करना क्या चाहिए, समस्याएं गिनाना नहीं बल्कि हमें एक्चुअली में करना क्या चाहिए। तो पहली बात तो हमें ये करना चाहिए कि यूएन के जो सतत विकास लक्ष्य हैं जिसमें कि लक्ष्य 5 लैंगिक समानता और लक्ष्य 8 जो कि आर्थिक विकास पर बल देना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और उसको बढ़ावा देने से अपने आप जो है वो आर्थिक और राजनीतिक पक्ष जो है वो महिलाओं की मजबूत हो जाएंगे। नो डाउट शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि शिक्षा के बिना तो कोई प्रयास किया ही नहीं जा सकता है और ना ही महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। ये करने के साथ साथ हमें जो आज के समय में भारतीय संदर्भ में यदि हम देखें तो जो प्रयास किया जा रहा है और किया जाना चाहिए और मजबूती से वो ये कि जेंडर बजटिंग को अधिक से अधिक मजबूत किया जाना चाहिए। चूँकि 2005 से हम जेंडर बजटिंग कर रहे हैं लेकिन उसका जो प्रतिशत है उसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि वही पैसा है जो कि एक्चुअली में बालिकाओं के और महिलाओं के काम आता है या काम में लाया जा सकता है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए और इसका एक्चुअली में प्रयोग होना चाहिए, इसका सदुपयोग होना चाहिए। तो न केवल सैद्धांतिक आधार पर बल्कि व्यावहारिक आधार पर भी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ये मेरा मानना है।
इसके साथ साथ जो है वो क्या परिवर्तन होंगे यदि हम ये सारे करते हैं तो क्या होगा? तो उसमें एक तो यही है कि लैंगिक समानता स्थापित करने में बल मिलेगा, गरीबी कम होगी क्योंकि महिलाओं को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, तो वो और ज्यादा जो है वो कहना चाहिए कि काम करेंगे और अर्निंग ज्यादा होगी तो अपने आप जो है पॉवर्टी कम होगी। इसके साथ साथ जो है वो हम ये मान सकते हैं कि जो उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें नवाचार जो है वो आएंगे नए नए, क्योंकि महिलाएं कलात्मक है, सृजनात्मक है, इसलिए वो नए नए तरीके से जो है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी। बेहतर निर्णयों में जो है वो सहभागी हो सकेंगी, उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो ये और ज़्यादा बोल्ड होकर आएंगी और आधी आबादी जो है वो स्ट्रोंग होगी। इसके साथ साथ जो है मेरा ये मानना है कि इससे महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा जो है वो कम होगी और उसी के कारण जो है वो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना वो काम कर ही नहीं सकते। और आप देखेंगे ग्रास रूट लेवल पर जाकर आप यदि अध्ययन करते हैं, जैसा कि अभी ज्योति कह रही थी कि उन्होंने जो है बच्चों से कुछ इंटरव्यूज किए, यदि आप वास्तव में जाकर यदि धरातल पर देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं की हेल्थ जो है वो कितनी वीक है। पहले जो है वो कहना चाहिए कि हाउस होल्ड काम और कहना चाहिए चूल्हे पे जो रोटी बनाती थी उसके धुएं से ही जो है वो 10 में से 6 महिलाएं प्रभावित होती थीं और उससे जो है आगे जाकर अस्थमा और उनको बीमार होकर जो है वो उनकी डेथ तक हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी कम होंगी। इसके साथ साथ जो है वो राजनीतिक सहभागिता को भी बल मिलेगा और महिलाएं जो हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत होकर जो है वो राजनीतिक आधार पर भी कहना चाहिए कि सही निर्णय लेने की स्थिति में आएंगी। वो जैसे कि अब हम ये कह रहे हैं कि पति सरपंच और पति प्रधान है, वो वाली भूमिका जो है वो संसद में और विधानसभाओं में नहीं होनी चाहिए, वो पति सांसद और पति विधायक नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हीं महिलाओं को आने देना चाहिए जो एक्चुअली में योग्य हैं। इसलिए जो विधायकों के या सांसदों के या राजनीतिज्ञों की बहू हैं, बेटी हैं, माँ हैं, पत्नी हैं, उनको नहीं बल्कि योग्य महिलाओं को जो है वो स्थान दिया जाना चाहिए। ये मेरी स्ट्रोंग जो है वो वकालत है कि ऐसा होना चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बड़ा इतिहास है जो कि महिलाओं के अधिकार और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करता रहा है, जिसमें कि हम बहुत सारे विचारकों के नाम लेते रहे हैं, जिसमें प्लेटो से लेकर हम सुकरात के सत्य पर आधारित विचार, जिसको कि प्लेटो ने कहा, और महिलाओं को एक अलग स्थान देने की बात उन्होंने की और महिलाओं को सैन्य शक्ति में भी हाथ आजमाने की बात की, वहीं पर ही आगे जाकर वॉलस्टोनक्राफ्ट की बात आप कर सकते हैं, सिमोन द बोवा की बात कर सकते हैं, जेएस मिल की बात कर सकते हैं। तो बहुत सारी एक कहना चाहिए कि राजनीतिक विचारकों की परंपरा है जो कि महिलाओं के अधिकार और उनकी बात करती है। लेकिन मैं अंत में ये कहूँगी कि कम से कम अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको महिलाओं से संबंधित कुछ कानूनों की जो जानकारी है वो ज़रूर होनी चाहिए और कुछ जो संस्थाएं हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि महिला आयोग के बारे में उनको पता होना चाहिए, जैसा कि लाटमारी जैन मैम जो है काम करती रही हैं और एक तरह से कहना चाहिए उनसे जुड़ने का मौका भी उनको मिलेगा, तो पहले जानकारी हो फिर आप एक्टिवली जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। महिला सुरक्षा कानून के बारे में पता होना चाहिए, पॉक्सो एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, दहेज निषेध अधिनियम के बारे में पता होना चाहिए, समान पारिश्रमिक के अधिनियम के बारे में पता होना चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट होना चाहिए, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के 39D का हिस्सा है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि फंडामेंटल राइट होना चाहिए। इसके साथ साथ कार्यस्थल पर महिलाओं की जो स्थिति है उसको इम्प्रूव करने और उससे जुड़े हुए जो अधिनियम हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, मैटरनिटी लाभ के संबंध में जो अधिनियम उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तलाक तथा महिलाओं के संदर्भ में जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो अधिनियम हैं उनके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू, आपने सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना।